आज अगर अभ्यर्थी सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर, क्यों हैं ये लोग भाई? एक तो आप इनकी भर्ती नहीं कर रहे, इनकी बहाली नहीं कर रहे, साल दर साल नए बहाने नए एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं, और ऊपर से सबसे बड़ा विस्फोट आपने तब किया जब आपने इसमें से डोमिसाइल नीति को आपने हटा दिया, ताकि देश भर के लोग आए, और उसके बाद आप और आपके नेता और आपके मंत्री बहाने क्या दे रहे हैं कि भाई पहले भी ये किया गया था 2011 या 2012 की ये लोग बात करते हैं। भाई उस वक्त नियोजन पर था, नियोजक शिक्षकों की जब आप बहाली कर रहे थे, कोई दूसरे प्रदेश का उसके लिए ललाहित नहीं होगा, क्यों कोई आके नियोजन पर यहाँ बिहार में काम करना चाहेगा? पर आज जिस भर्ती का जिक्र हो रहा है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात, और उसमें आप डोमिसाइल नीति को आप हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको देश का आपको नेतृत्व करने की आपको महत्वाकांक्षा है, आपको खुद विपक्ष के का नेतृत्व करने की आपको महत्वाकांक्षा है, और इसीलिए जो पिछले 2-3 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रातों रात आप उनके लिए आप कानून बदल देते हैं बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, बिना किसी से चर्चा किए हुए, और खास तौर पर बार बार मैं मुख्यमंत्री जी को बोलता हूं, भले वो आपका शराबबंदी का कानून हो या जनसंख्या ये जातिगत जनगणना का आपका कानून हो, बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है कि क्यों नहीं इन तमाम विषयों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, और खास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्यों नहीं चर्चा की जाती है, जिन अभ्यर्थियों को आपने लगातार फंसा के रखा हुआ है, कभी सीटेट कभी बीटेट के माध्यम से आप परीक्षा देकर आई है, और आज आप उनको बाद में आप उनको बोलते हैं कि भाई बीपीएससी के माध्यम से होगा, चलिए वहां तक भी स्वीकार है, पर कम से कम इसमें डोमिसाइल नीति को तो आप इसको अपना के रखिए। जिस तरीके से आपने देश भर के लोगों को इसमें आमंत्रित कर लिया कि वो आए और इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो उसमें बिहारी कहां जाएगा भाई? क्या बिहारी से मजदूरी करने के लिए ही बनेगा? और क्या बोलते हैं भैया इनके शिक्षा मंत्री कि वो सक्षम नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है? पिछले 40 सालों में आपने ऐसे छात्र पैदा नहीं किए जो शिक्षक बन सके, और अगर नहीं पैदा किए तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताए ना, आज सरकार में जो लोग बैठे हैं 33 साल से आप लोग की सरकार है, अगर 33 साल में बिहार की शिक्षा नीति इतनी बेहतर नहीं हुई कि बिहार के छात्र वो शिक्षा वो तालीम हासिल करें कि कल को वो बिहार के शिक्षक बन सके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब नहीं किसकी बनती है भैया? सरकार में वही लोग बैठे हैं जो पिछले 33 साल से सरकार का हिस्सा है, आज उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है भैया, तो किसके गिरेबान में आप झांकने का प्रयास कर रहे हैं भाई? या तो आपने गलती की 2005 से लेकर अभी तक आप मुख्यमंत्री हैं, या जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं उनसे पहले उसी दल के नेता मुख्यमंत्री रहे। तो अगर आज भी अगर बिहार में शिक्षा के हालात इतने बदतर हैं जो कि हैं, प्राथमिक शिक्षा आपने बर्बाद करके रख दी है, और इनके शिक्षा मंत्री बिहारियों का ही अपमान करने पे तुले हुए हैं, बिहारियों को बोल रहे हैं भैया कि ये लोग सक्षम नहीं है, जो बिहारी दूसरे प्रदेश में जाकर आप लोगों के मीडिया हाउसेस में जाकर उसका हेड बनने की योग्यता रखता है, जो दूसरे राज्यों में जाकर बड़ा व्यवसायिक बनने की क्षमता रखता है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की क्षमता रखता है, वो अपने ही प्रदेश में एक शिक्षक बनने के लायक नहीं है, ये सोच है हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री की। आप उनका अपमान करते हैं, आप उनके साथ अन्याय करते हैं, और उसके बाद आप अपेक्षा रखते हैं कि शांति से इस अन्याय को तमाम अभ्यर्थी स्वीकार कर लेंगे और इस पे अपनी आवाज तक नहीं उठाएंगे, और जब अपने हक अधिकार को लेकर वो लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर आप लाठी चलाते हैं। भाई इतना अहंकार शोभा नहीं देता इस सरकार, और अहंकार गुरूर बड़ों बड़ों का नहीं टिका। मुख्यमंत्री जी आप खुद अपना कितना नुकसान कर रहे हैं इस बात का इनको एहसास भी नहीं। शिक्षकों को हमारे संस्कार हमारी संस्कृति में भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया, एक तरफ गुरु खड़े हो दूसरी तरफ भगवान खड़े हो, तो हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि भैया जाके अपने गुरु के चरण छू पहले, और उन्हीं शिक्षकों के ऊपर आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं।
जो बिहार के भविष्य को बनाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इनकी तमाम मांगों का जहां एक तरफ समर्थन करती है, वहीं पुनः इस सरकार से आग्रह करती है कि अपनी नीति पे पुनः विचार करें। भाजपा विधायकों के साथ वन टू वन बैठक कर रहे हैं, क्या उनके विधायक उनको जाकर बताते नहीं है कि कितना विरोध होता है उन लोगों का? क्या उनके सांसद उनको बताते नहीं है कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कितना विरोध उन लोगों को झेलना पड़ता है जनता का? आज की तारीख में कोई एक मंत्री सड़क पर दिखा दे बरसात में तो जाए जनता के बीच में। मुख्यमंत्री ने खुद ने कभी सोचा कि भैया हम जाकर देखें कि किस हालात में बिहारी आज की तारीख में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? और 18 साल से यही तस्वीर है भैया, वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी सरकारी हेलीकॉप्टर भी निकलेगा मुख्यमंत्री जी का, हवाई निरीक्षण में जाएंगे ये और बोलेंगे अच्छा बिहार में बाढ़ आई। ये साल दर साल की तस्वीर है भैया, क्या समाधान है मुख्यमंत्री का? अगर आज की तारीख में बिहार को बचाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बाकी राज्यों की श्रेणी में बराबरी पे लाके खड़ा करना है, तो उसका एक ही समाधान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता से हटे। और यह आह्वान पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता से मैं करता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। कल पुनः मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां जाकर पुनः शंखनाद होगा। मुख्यमंत्री जी अपना गृह जिला, अपना गृह जिला, वहीं पर किस तरीके से उनका विरोध होता है उनके हर कार्यक्रम में हम लोगों ने साबित करके दिखाया। और हाथ कंगन को आसी क्या, कल के कार्यक्रम में आप सब लोग फिर देखिएगा जो एक जन सैलाब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में खुद उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा। तो जो मुख्यमंत्री आज अहंकार में है उनको ये समझने की जरूरत है कि अहंकार से सत्ता नहीं चलती, सत्ता जन समर्थन से चलती हो, और जन समर्थन तब मिलता है जब आप जनता के सरोकार की बातें करते हो। तो इस उम्मीद के साथ कि कम से कम हमारे छात्र, हमारे शिक्षक जो बिहार का भविष्य हैं, उनके उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे और उनके हितों में आने वाले समय में मुख्यमंत्री हर संभावित संशोधन अपनी नीतियों में करेंगे ताकि बिहारियों का सम्मान बचा रहे।